नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं सृष्टि राय। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ियों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक हस्तियों का समर्थन भी मिल रहा है। बीते दिनों कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ खड़ी नजर आई थी। ब्रजभूषण सिंह ने इस पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि उन्हें तथ्य नहीं पता है। प्रियंका को जिस दिन सच्चाई पता चलेगी उन्हें महसूस होगा कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। इसके साथ ही महासंघ के अध्यक्ष ने प्रियंका गांधी को खुली चुनौती भी दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। गोंडा में एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने प्रियंका गांधी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा गुमराह किया जा रहा है। वो इतनी बड़ी नेता है, अगर उनमें हिम्मत है तो वो यूपी की किसी भी सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर देख ले, वो मुझसे हार जाएंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि पहलवानों को विपक्षी दलों के द्वारा पट्टी पढ़ाई जारी है, ये भारतीय कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि यूपी की किसी सीट से प्रियंका गांधी मुझसे लड़ ले, चुनाव में प्रियंका गांधी मुझसे हार जाएंगी। ब्रजभूषण ने इससे पहले भी प्रियंका पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो बिना सोचे समझे आरोप लगा रही है, कांग्रेस के लोकल नेता भी उनके साथ है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ने इस मामले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अखिलेश सच के साथ है, वो मुझे बचपन से जानते हैं और यूपी के ज्यादातर पहलवान यादव समाज से ही आते हैं, जो समाजवादी विचारधारा से हैं। उन सबको पता है कि हमारे नेताजी कैसे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 FIR भी दर्ज की गई है। उनका कहना है कि वो जांच में पूरा साथ देने के लिए तैयार है, वो अपने पद से इस्तीफा देने को भी तैयार है, पद बड़ी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपराधी बनकर इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं अपराधी नहीं हूँ। इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हाई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में महिला पहलवानों के बयान को दर्ज करा चुकी है, वहीं अन्य महिला पहलवानों के भी बयान दर्ज कराए जाएंगे। दिल्ली पुलिस इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जांच के लिए बुला सकती है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।